छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव की गरीब परिवार में रहने वाली लड़की आफरीन फातिमा ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। आफरीन भविष्य में आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। परासिया के एकलहरा गांव की आफरीन फातिमा ने 12वीं में टॉप 10 में आकर प्रदेश भर में अपने गांव का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि फातिमा एक गरीब परिवार से हैं, बावजूद इसके उन्होंने कड़ी मेहनत कर गांव का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि आफरीन के पिता एक प्राइवेट लैब में कार्य करते हैं। आफरीन बताती हैं कि उनको आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत करेंगी। आफरीन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। जी, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और स्टेट में 10th। नहीं, बस स्टार्टिंग में थोड़ा किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर में पढ़ नहीं पा रही थी, तो जनवरी से लेकिन मैंने अपना 100% दी। पिताजी क्या करते हैं? फादर लैब में ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं था, जब तक मन करता है जब तक पढ़ाई करती हूँ, जब बोर हो जाती हूँ जब भी बस उठती हूँ। आज हमारी बहुत बड़ी सफलता 12वीं में हमें प्राप्त हुई है। आफरीन फातिमा सिद्दीकी, जो हमारी ब्राइट कॉमर्स एकेडमी में पढ़ती थी, उन्होंने एमपी में 10वां स्थान प्राप्त किया है और हमारी कोलियांचल की कोचिंग को, ब्राइट कॉमर्स एकेडमी को एक नया नाम दिया है, एक नई पहचान दिया है। इस वजह से मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं उनको देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।